सिमोन यादव की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी राम निवास रावत ने भरा अपना चुनावी पर्चा। आज 24 अक्टूबर को विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में राम निवास रावत का नामांकन पर्चा दाखिल करवाने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विजयपुर आए, जहां उन्होंने रथ पर सवार होकर नगर में किया रोड शो। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला, चुनाव प्रभारी अंदर सिंह कंसाना मौजूद रहे और रोड शो निकाला गया। ये रोड शो गोपालपुर से प्रारंभ होकर अस्पताल होते हुए सुनवाई रोड तक निकाला गया। इस मौके पर श्री गणेश कॉलेज मैदान पर आम सभा का आयोजन भी किया गया। विजयपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मैं यहाँ हमारे प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत जी के समर्थन में फॉर्म भरने आए। हमारे साथ हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद और अभी वर्तमान में हमारे विधानसभा के नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, इस अवसर पर हमारे सीताराम आदिवासी और हम सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार का हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला जी और सारे के सारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ सामूहिकता के साथ हमने फॉर्म जमा किया है और जनता का जिस प्रकार से विश्वास दिख रहा है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे रामनिवास रावत जी जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री है, क्षेत्र के विकास के लिए जनता अपने मंत्री को चुनेगी, क्योंकि हमने उनके बिना विधानसभा के ही मंत्री बनाया और मंत्री बनाने के पीछे कारण ये है कि हमारा श्योपुर जिला काफ़ी पिछड़ा था, इसको आगे बढ़ाना है और मैं आज विकास के इस कारवा में भाई रामनिवास रावत जी के पक्ष में अपील करते हुए कि सभी मतदाता भारी मतों से एक बार जिताइए और पूरे श्योपुर जिले का विकास का एक नया कीर्तिमान बनेगा। एक बार फिर विजयपुर के वासियों से निवेदन है वे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिस प्रकार से देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश सरकार माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे सारे के सारे जिनके साथ माननीय शिवराज सिंह जी कृषि मंत्री और हम सब मिलकर के लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश और देश दोनों मिलकर कदम से कदम मिलाकर भारी ताकत के साथ विकास के कारोबार में शामिल होंगे और भारी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। एक बार फिर आप सबका आभार।